समाजवादी कार्यकर्ताओं का मूड जानने के लिए हमारी टीम निकल पड़ी नुक्कड़ चौराहे पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जावेद अंसारी, हम इस समय खड़े हैं रीवा शहर के सबसे व्यस्ततम सिरमौर चौराहे में। हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों से विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, विधानसभा चुनाव निकट भविष्य में होने वाले हैं, सारे पर्चे दाखिले कर दिए हैं, सारी लोगों ने अपनी वो कर दिया है, आप विधानसभा चुनाव में किस तरीके की क्या देख रहे हैं? मैं अपना पर्चा देना चाहूँगा। मैं अजय शुक्ला, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी रीवा। आपने देखा है कि जनता ने जिस आशा के साथ, विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल जुमला के अलावा कुछ भी नहीं किया है। चाहे आप केंद्र की सरकार को देख लीजिए, चाहे प्रदेश की इसकी शिवराज सिंह चौहान की। आपका कहना है भारतीय जनता पार्टी ने जुमले के अलावा कुछ नहीं किया, आप क्या सोचते हैं? ये अभी तक का जो इनका बीजेपी की सरकार का जो चेहरा वो दर्पण में दिख रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को देश के अंदर लोगों ने इनके मंसूबे को जानकर भांप लिया है कि ये देश को कैसे चला रहे हैं। आपका कहना है देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर तरीके से नहीं चला रही। आपके सर पर टोपी देख के ऐसा लग रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या सोचना है, क्या मानना है आपका? उनका कहना एकदम 100% सही है। भारतीय जनता पार्टी के नकारे वादे, झूठे वादे से जनता त्रस्त हो गई है और भारतीय जनता पार्टी रीवा के 8 विधानसभा हैं, हमें तो उम्मीद है किसी विधानसभा में विजय नहीं प्राप्त करेगी। मैं सिरमौर विधानसभा अध्यक्ष प्रदीप सिंह मांडा हूँ। चलिए, आपका कहना है कि विधानसभा में कोई भी सीटें नहीं प्राप्त करेंगे, यहाँ पर कौन से मुद्दे होंगे प्रमुख? सबसे प्रमुख मुद्दा है रोजगार की। भाई, उद्योग मंत्री रीवा के रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे रीवा के जो हमारे बेरोजगार हैं पलायन का काम कर रहे हैं। हमारी अगर सरकार में, अगर हमारी उसमें रहती है, अगर हमारे सरकार में आते हैं और हमारे कुछ मंत्री बनते हैं, निश्चित रूप से हम इसमें रोजगार का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाएंगे। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है यहाँ रोजगार नहीं मिला? जी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे, नकारे वादे किए हैं जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता परिवर्तन चाहती है और जनता परिवर्तन के मूड में है। आपको क्या लगता है इस बार परिवर्तन हो जाएगा? अगर कहीं ना कहीं अपनी समाजवादी पार्टी जिस तरह से काम करती, अन्य देशों में काम करती आ रही है, तो अगर कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर समाजवादी पार्टी आती है तो अच्छा से अच्छा कार्य करके जाएगी, इससे हम बहुत ही सम्मुख रहेंगे। हमारे एक बीच खड़े हुए एक नेता जी हैं। आप ये बताइए, रीवा में काफ़ी विकास, जैसे यहाँ आप जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर एक पुल भी दिख रहा, विकास यहाँ पर विकास के दावे किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? पुल को चेक करवाइए, 200 जगह दर्दर हैं। अगर 4 करोड़ का इसका जो है पैसा मिला होगा तो केवल 1 करोड़ लगा होगा, 3 करोड़ घोटाला हुआ है। पुल को आप चेक तो करवा के देखिए, यहाँ पे जितने भी कार्य हुए हैं सब अधूरे हुए हैं, या तो उसमें घोटाला किया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरती है तो घोटालों की जाँच होगी, उसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान को जेल जाना पड़ सकता है, यहाँ के विधायक को जेल जाना पड़ सकता है, यहाँ के मंत्री को जेल जाना पड़ सकता है। क्या लगता है आपको, ये तो सब जेल भेजने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, कितना बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, शायद ऐसी कोई पार्टी हो जिसमें इसमें घोटाला ना हुआ हो। आप क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां इन लोगों ने राशि को बंदरबाड़ ना किया हो और आपस में मिलजुल के नीचे से लेके ऊपर तक इन लोगों ने जो गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार सब लोगों का जो पैसा है इन लोगों ने आपस में बंदरबाड़ करके इस तरह के जो ये फ्लाई ओवर इन्होंने बनवाया है, इस तरह से इन लोगों ने पूरे प्रदेश में जो है तो पैसा खाने का काम किया है। पूरे प्रदेश में पैसा खाने का काम किया। रीवा में 8 विधानसभा की सीटें हैं, आप किस पार्टी को कितनी सीटें यहाँ से जितवा रहे हैं? मैं निश्चित रूप से 8 विधानसभा में हमारी समाजवादी पार्टी की कम से कम 2 सीटें तो निश्चित रूप से आएगी इस बार। आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी की 2 सीटों के अलावा कांग्रेस, भाजपा के यहाँ से कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, हमारा फोकस जो है हमारी पार्टी का सिरमौर विधानसभा और गुड़ विधानसभा है, हम 2 सीट जीत के ले आएंगे और रीवा विधानसभा, मऊगंज विधानसभा, देवतला विधानसभा हम लड़ेंगे, जीत भी सकते हैं,
लेकिन पूर्ण रूप से हम नहीं कर सकते, लड़ाई हम अच्छी लड़ेंगे 3 विधानसभा सीट में। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका साफ तौर से कहना था इस बार वो 8 सीटों में से सिरमौर और गुड़ की सीट को जीत रहे हैं। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।